कैसे हो आप सब? आशा करती सब अच्छे होंगे अपने अपने घर में। और बहुत पड़ रही है ठंड। अगर पसंद आती है मेरी बेटी हो आप लोगों को तो कर देना एक एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर। तब तक बने रहो इस ब्लॉग में पूरे दिन। हेलो, कैसे हो आप सब? आज बहुत ठंड है हमारे उधर। सुबह मैंने झाड़ू वाड़ तो कर दी हूँ, बज रही अभी ना। थोड़ा बाहर का सीन अगर आपको दिखता हूँ, आज पूरा धुंध धुंध है और हवा भी चल रही है महारानी। आज हवा भी चल रही है तो ठंड भी है। आज से हमारे यहाँ कुहासा शुरू हो चुका है। आप लोगों का कब होगा शुरू? कोई नहीं, जा मैं इधर रहूँ ना। वो लड़की रहती है ना पीछे, उसको लगा कि आंटी कैमरा में ले लेगी मुझे, इसलिए भागने लग गए पीछे सो के उठ के। मैंने कहा तू बाथरूम, मैं थोड़ी तुझे लूँगी। सुबह सुबह क्या काम करें। लेकिन पता है जिस हिसाब से आज कोहरा सा लगा हुआ है ना, धूप निकला ही नहीं है। 9 बजे तक पूरा से धूप निकल जाता है, वही 9:30 बजे में। जिस हिसाब से कोहरा लगा हुआ उस हिसाब से ठंड नहीं है। हवा भी चल रही है ना तो ठंड नहीं हो रखा। हाथ पैर काम भी कर लिया थोड़ा बहुत, मतलब झाड़ू वाड़ू कर लिया इधर जो भी था। नाश्ता तो दोनों माँ बेटे बनाऊँगे और आज तो दिखाऊँगी आप लोगों को जो मैंने बता रखे हो। बने रहना आप लोग इस ठंड ठंड के मौसम में, ठीक है भाई? हमारे यहाँ तो बारिश शुरू हो चुकी है। देखिए छोटी छोटी बूंदे वाले बारिश पड़ती है ना, तो मैं तो अंदर थी, बाहर पता ही नहीं चल रहा था। ठंड लग रही थी अंदर से, मैं सोच रही क्या हो गया। देखिए बारिश भी छोटी छोटी शुरू हो चुकी है, मतलब थोड़ा बहुत, और ये पूरा आंगन गीला हो चुका है। देखो तो जरा था। ओहो, हवा चल रही थी, मैं सुबह से बताई थी हवा चल रही है, तो आज अब से मुझे लग रहा है ज़्यादा ठंड पड़ना शुरू हो चुका है। आज कुत्ते के बच्चे नहीं देख रहे हैं एक भी हमारे। अब तो धूप निकालने का चांस ही नहीं। चलो एक चीज़ अच्छा हुआ, मेरे सारे पौधे महाराज जी सब गीले हो चुके हैं, साफ़ हो गए। साफ़ जो मैं साफ़ करना चाह रही थी ना वो साफ़ हो गए अपने आप। मज़ा आ गया, एक काम तो हो गया मेरा, मज़ा आ गया। सारे साफ़ हो गए, फिर पौधे हरे हरे हो गए। अब इसको करना पड़ता है ना मुझे अलग से। मैं जैसे मैं कई दिन से बोल रही थी पेड़ पौधे को साफ़ करूँगी, थोड़ी तेज़ हो जाए और अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, फिर ठंड भी अच्छी पड़ जाएगी ना। ठीक है, ठंड का मज़ा हम लोग ले रहे हैं। जा रही फिर से दोबारा आज चाय बनाने के लिए, एक बार तो मैंने पी लिया और लग रही है ठंड। हेलो जी, आज हम किचन में बना रहे हैं भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी। दिल्ली से हमें खूब मिलता है ना, जगह जगह भंडारे होती रहती है। तो मैंने कि कभी कभी घर का ही काम दिखाते हैं, कभी कभी रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो वैसे तो भंडारे वाली सब्ज़ी में प्याज नहीं डाल रहे, मेरे पास ये पत्ते पड़े हुए थे। मैंने कि चलो ये भी छील के मैंने इतना रख ली हूँ और ये मैंने डाल दी। वैसे तो उसमें सामग्री पड़ता है ये टमाटर, आप मत डालना इसमें प्याज के पत्ते। ये टमाटर ज़्यादा मेन होना चाहिए, और हरी मिर्ची और अदरक, और ये मैंने मरीच कूट के रखी हूँ, जीरा, हींग और हल्दी का पाउडर, नमक जो भी डालेंगे वो धीरे धीरे हम दिखा रहे हैं आपको। तो हम सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी, आलू को उबाल करके, ये फोड़ के, नया वाला आलू में ना अलग ही मज़ा आता है। तो ये देखिए मैंने जीरा डाल दी हूँ, तेज पत्ता डाल दी हूँ, ऊपर से थोड़ी सी ज़्यादा करके हींग डालती हूँ मैं इसमें, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक, क्योंकि मेन अदरक का ही होता है इसमें स्वाद। ठीक है, अदरक डाल दिया। उसके बाद मैं, क्योंकि मैंने प्याज डालना है तो मैं इसमें पत्ते वाली प्याज डालूंगी, और हरी मिर्च मोटी मोटी बारीक काट करके। अगर आप प्याज नहीं डालते ना तो बस जैसे मैंने डाली थी ना अदरक के बाद सीधे हल्दी डालना था हमें। हल्दी डाल दो, फिर उसमें हल्दी जैसे कलर हो जाए ना तेल, उसमें फटाफट आलू डाल दो, ऊपर से आप टमाटर साइड साइड रख के सेम ही डाल दी। बस मैं प्याज डाल दी कि थोड़ा सा बच्चे खाते हैं ना, थोड़ा सा पता हो जाए।
इसको मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, इसमें जैसे मैंने बताई थी वैसे ही हल्दी डालती हूँ सबसे पहले। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता हमें इस वाली सब्ज़ी में, आलू टमाटर सब्ज़ी में आपने देखे होंगे भंडारे वाले में ज़्यादा नहीं होती कभी भी तेल। देखिए ऐसे हो चुका है, अब मैं वो तो मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, अब मैं क्योंकि प्याज डाल रखी थी इसमें इसलिए पहले टमाटर गलाना ज़रूरी है। मैं धीरे धीरे इसमें नमक और मिर्ची पाउडर, हल्दी, हल्दी तो मैंने डाल दी, मिर्ची वगैरह डाल देती हूँ। तो मैंने इसमें मिर्ची और नमक धनिया पाउडर डाल दी हूँ, थोड़ी सी फ्राई कर दी। अब मैं क्या करती हूँ ये देखती हूँ, ये साइड साइड में कर देती हूँ और बीच में मैं डालूँगी आलू। साइड में साइड टमाटर भी हमारा गलता रहेगा और साइड से बस टमाटर भी तब तक गल जाएगा ऐसे ही आँच पे। मैं इसको ढकूंगी नहीं, बस तेज़ आँच रखूंगी, देखना है कि नीचे आलू जल ना जाए, क्योंकि आलू भी थोड़ी सी उबले तो क्या हो गया, थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और मिर्ची आप लोग अपने हिसाब से डालना, क्योंकि मिर्ची पाउडर कम डाली मैंने, क्योंकि मिर्ची भी काट के डाली और ये मैंने ये मरीच भी कूट के रखी हूँ ना, ये देखिए ऊपर से ये मैंने आलू के ऊपर रख दी क्योंकि अच्छे से ये आलू में घुस जाएगा। मैं स्टैंड नहीं लगाई इसलिए हिल रहा है थोड़ा सा, तो बस एक बार होने देती हूँ 2-3 मिनट, फिर उसके बाद पलटा करके। और फिर तब तक हमारा टमाटर भी हो गया भजट पर, देख लो इतने देर लगती है, ऊपर से धनिया पत्ता काट के डाल दो, बन गई भंडारे वाली सब्ज़ी ना हमारी। और एक पराठा भी बताऊंगी मैं आप लोगों को आलू वाला, एक सिंपल तरीके से। ये देखिए हो गया ना सारा टमाटर मिक्स हमारा, ये देखिए इसमें दो मतलब 5 मिनट लगेगा आपको ये सब्ज़ी बनने में, इतने फटाफट बन जाते हैं। बस आलू उबालने की बस देर है, बस इसमें मैं डाल दूंगी अब रस और धनिया पत्ता काट के बन गई हमारी सब्ज़ी। जितनी आपको अगर ऐसे सूखे भी लो, जैसे हम डोसा वगैरह बनाते हैं ना उसमें ये वाले आप मसाले यूज कर सकते हैं, ऐसे सूखे सूखे ऐसे भी खा सकते हो रोटी के साथ जैसे, लेकिन मैं थोड़ी सी रस डालूंगी। तो ये थी हमारी आलू और टमाटर की भंडारे वाली सब्ज़ी, तो ठीक है कैसी लगी आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये लो जी बन गई आलू और टमाटर की सब्ज़ी 7 मिनट में, मैंने टाइम देख के बनाई हूँ। तो आप लोगों को भी अगर रेसिपी पसंद आती है, देखने में लग रहा है ना चटपटा सा, इतना रेड कलर नहीं आ रहा जितना है, क्योंकि जब टमाटर और मिर्ची सब पड़ेगी तो तीखी चटपटा बनेगी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए घर पे, ठीक है जी। हेलो, अब मैं दिखा रही हूँ, आज ज़्यादा साड़ी लेके नहीं बैठी, मैं थोड़ी बहुत साड़ी लेके बैठी हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिखाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। जैसे मैंने दिखा बताई थी, ये एक मेरी साड़ी है, ये देखिए ये मोती का वर्क किया और सिंपल सुबर में ना कपड़ा भी इसका जर्जट वाला है, ये देखिए अच्छी लगती है पहनने के बाद, पूरे बॉर्डर बॉर्डर बनी हुई है और इसकी ब्लाउज गोल्डन कलर की है, तो वो पता नहीं कहीं रखी हुई है। और एक साड़ी मैं ये दिखा रही हूँ, 5 किलो वजन है, बनारसी सिल्क होता है ना जैसे वैसी, इस बार ये मिली है मुझे नंद के यहाँ जब गई थी ना शादी, मतलब 25वीं सालगिरह पे। तो एक ये है डिजाइनर साड़ी, इसके बीच में ना यहाँ पे जो पल्लू लेते हैं आपने वीडियो में देखी होगी, तो ये पैच सी बनी हुई है ऐसी, ये साड़ी है। ये कपड़ा इसका ना थोड़ा सा ऐसा होता है ना जैसे रबर वाला, पता नहीं क्या कपड़ा बोलते हैं उसको। तो एक ये साड़ी है, सबको बहुत पसंद आई जब मैंने पहनी थी, भाभी भी बोली है कि मैं भी एक दिन पहनूंगी इस साड़ी को। तो ये दो साड़ी दिखा दी मैंने, और मेरी ये साड़ी देखिए, ये साड़ी डबल सेट में है, देखिए ये इधर ऐसे बने हुए हैं और हाफ में मतलब रेड कलर की है, प्लेट नहीं दिख रही है मुझे, ये आधी में तो ये पल्लू में ऐसे किया हुआ है पैच जैसे, और पूरे ये देख नीचे की ये रेड सर, ये रेड कलर की में ऐसे किया हुआ है, और ये पल्लू में ऐसे जैसे लेते हैं ना, ये पल्लू में पूरे किया हुआ है, ये देखिए आगे पीछे पूरे। इसका भी कपड़ा ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, ये सारी इसकी रेड कलर की ब्लाउज है, ब्लाउज में इकट्ठे रखती हूँ और साड़ी में अलग रखती हूँ, मतलब एक जगह ब्लाउज रखती हूँ एक जगह साड़ी रखती हूँ। एक ये साड़ी देखिए, ये सिल्क टाइप में बॉर्डर होता है ना थोड़ा चौड़ा, और पहनने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगता है कि पहन रखे हम इसको। तो इसकी नीचे ये वाली बॉर्डर है सिल्क टाइप में, और ऊपर इसकी ये ऐसे पतली वाली बॉर्डर है, इसकी बाजू मतलब ब्लाउज पे भी ऐसे पतली वाली बॉर्डर किए हुए हैं। तो एक ये साड़ी है सॉफ्ट,
मतलब कपड़ा बीच का बहुत ही अच्छा, पूरे दिन आप काम भी करो पहन के। हम लोग जो भी खरीदते हैं इस हिसाब से खरीदते हैं ना कि पूरे दिन अपना उसको पहन के रह सके तो कोई दिक्कत ना हो। देखिए एक ये मेरी ब्लैक कलर की साड़ी है, ये जब मेरा भतीजा का जन्म हुआ था ना, हम तीनों बहन को हमने खुद ही पसंद किए थे ये साड़ी, तो तीनों बहन ने ये साड़ी ली थी और भाभी भी एक ली थी, हम और मम्मी ने भी ली थी शायद, पांच साड़ी खरीदे गए थे एक जगह। तो ये साड़ी पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती, बहुत सुंदर, मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बना रखी एक दो। तो एक ये साड़ी है और इस साड़ी को हो गया है 7 साल, लेकिन मैं ऐसे ही रखती हूँ। और सबसे पुरानी साड़ी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो साड़ी है ना, ये पता नहीं इसको अभी क्या बोलते हैं, अभी मैंने किसी किसी को देखी हूँ दोबारा से ये सारे कपड़े चल रहे हैं फिर से, क्योंकि मैंने एक मीशो से मंगवाई थी, उसका बहुत खरा खरा सा कपड़ा था तो मैंने चेंज कर दी, तो ये वही वाला कपड़ा है। तो मेरे पास अब मैंने उसको पहले तो फेंक रखी थी, अब मैंने इसको निकाल के प्रेस व्रेस करवाई और मेहरून कलर की ब्लाउज बनवा रखी हूँ ऐसे बॉर्डर में, तो उसके साथ में ये कभी पहनूंगी, अभी पहनी नहीं हूँ और लेकिन मुझे अच्छी लगती है। ये भी प्लेन मेहरून कलर की है और इसकी देखिए ये प्लेन ऐसे है, ठीक है, और इसकी मैं दिखा रही हूँ आपको ये जो पल्लू है ना इसका, ये ऐसे ऐसे गोल्डन में है। तो ये साड़ी है, मैं तो चार पांच करके दिखा पाऊंगी वीडियो के बीच बीच में, क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी ना फिर हमारी। और ये साड़ी है एक, ये भी कैटलॉग की पीस है, कपड़ा मतलब एक मुट्ठी का कपड़ा होता है ना छोटे से, मैंने दिखाई भी होगी किसी वीडियो में जब चाची ने मुझे दी थी ये साड़ी। इसकी डिजाइनर ब्लाउज थी, आगे पीछे बहुत ही कढ़ाई था, मैंने उसको कढ़ाई नहीं प्लेन करके सिलवाई। एक ये साड़ी है, मैं इस टाइप में कपड़े लेती हूँ ना कि मतलब आप घर में भी बाद में, जैसे अभी तो आप बाहर यूज कर लो और बाद में घर में भी यूज कर सकते हो। और ये ऐसे सिंथेटिक में 1400-1500 रुपये की साड़ी है, ये देखने से ऐसा लग रहा है ना, मतलब ऐसे कपड़ा बहुत ही अच्छा है इसका। तो अभी मैंने इतने साड़ी निकाल दी, एक ये ऑरेंज कलर की है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये साड़ी अभी मुड़ गई है, ऐसे मुड़ के रखी थी, मुझे बहुत ऐसे इसको पहनने के बाद लगता नहीं कि पहन रखे हैं। तो इसके साथ मैं प्रिंटेड ब्लाउज पहनती हूँ, मैं ज़्यादातर प्रिंटेड ही ब्लाउज पहनती हूँ, तो ये साड़ी सबसे मुझे पसंद है कि कपड़े पहन लो पूरे दिन तो लगता नहीं कि पहन रखे हैं। तो बस मैंने अभी इतनी साड़ी दिखाई हूँ आपको इतनी साड़ी, ओहो इतनी साड़ी। अगर और भी वीडियो में अगर मतलब जैसे होगा तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों सारी बोलने में हो रहा है साड़ी जरूर दिखाऊंगी। और बस जो साड़ी ज़्यादा हम लोग खरीदते, क्योंकि कुर्ती वगैरह कम खरीदते कहीं जाने आने में ना, मम्मी के यहाँ जाए या ससुराल जाए, तो साड़ी ज़्यादा मुझे पसंद भी है कहीं जाने आने में। घर में तो कुछ भी पहन लो, घर में तो फ्रॉक वाली सूट, आज मैंने पुरानी वाली निकाल करके ये फ्रॉक वाली सूट पहन ली, क्योंकि ठंड है ना, तो कुछ भी, ये तो यहाँ तक था मतलब नीचे तक, इसको मैंने कटवा के और घुटने से यहाँ तक करवाई थी। तो ठीक है, आप लोगों को अगर ये मेरी साड़ी वाली वीडियो आती है पसंद आप लोगों को तो कर देना एक एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है यार, सब्सक्राइब तो करवाओ सब आप लोग। तो ठीक है, मिलेंगे एक नए ब्लॉग में हम कल से, कल से आज पता नहीं क्या बोलते बोलते निकल रहे हैं मुँह में, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।